अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से सभी प्रवासी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे बता दें कि जितने भी प्रवासी कुवैत के अंदर बाहर के रहते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का रहते हैं, उनके लिए ये न्यूज़ सुनना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुवैत से दोस्तों जो पहली अपडेट है, बता दें कि प्रवासी एकामा रिन्यूअल को लेकर के है। दोस्तों कुवैत के अंदर जैसे कि अगर किसी का एकामा ख़त्म हो जाता है तो उन्हें जो उनका समय पीरियड होता है उस दौरान अगर उन्होंने अपना एकामा रिन्यूअल नहीं करता है तो अभी जो हाल की बात है यानी कि 2 KD डेली का उनको फाइन भरना पड़ेगा। अगर वो लेट हो जाता है तो उनके बाद उनका एकामा रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया है कि कुवैत में जितने भी प्रवासी अगर उनका एकामा एक्सपायर हो जाता है, अगर वो रिन्यूअल नहीं करता है तो यानी कि 4 KD तक भरना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों अभी 2 KD भरना पड़ रहा है लेकिन आगे चल करके 4 KD भरना पड़ सकता है। ये कानून इसलिए लागू हो सकता है क्योंकि कुवैत के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम से जो इलीगल प्रवासी है अपना एकामा को रिन्यूअल नहीं करते हैं और बाहर में काम करते हैं लेकिन बिना एकामा का करते हैं, जिनके कारण ये सख्ती के साथ ये कानून लागू किया जा सकता है जिससे कि सभी प्रवासी को दिक्कत हो सकता है। उनके अलावा दोस्तों जो दूसरी अपडेट है, बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये भी बताया गया है कि कुवैत के अंदर जैसे कि जो भी लीगल प्रवासी है जिनको यानी कि पुलिस पकड़ने के बाद सफर करती है तो उनका अभी यानी कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर उन्हें डिपोर्ट करता है, यहाँ पे लीगल पकड़ा जाता है, उनको उनका देश भेजा जाता है तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक तकरीबन यानी कि पिछले साल से लेकर के अब तक मिलियन से ज़्यादा टिकट का खर्च आया है सिर्फ जो भी इलीगल प्रवासी है पकड़ने के बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। इसीलिए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ये भी प्रपोजल रखा गया है कि आगे में यानी कि किसी भी इलीगल प्रवासी को अगर पकड़ा जाता है, उन्हें सफ़र करना है तो उन्हें ज़रूरी है कि पूरा खर्चा यानी कि टिकट का जो भी उनका खर्चा है, फ़ाइन है, उनको खुद पेड करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें यानी कि डिपोर्ट सेंटर या फिर जेल में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी सख्ती वाला कानून आने वाला है जिससे कि जो लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं ज़रूरी है कि वो अपना एकामा को समय से रिन्यूअल करवा लें। अगर लेट होता है तो 4 KD तक आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी कुवैत में हैं आने वाले हैं उन तक खबर पहुँचे। कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।